तो हेलो, फिर से स्वागत है तुम्हारा एक और रेंच सिमुलेटर वीडियो में। और अभी भाई हमने यहाँ पे काफ़ी सारी लकड़ी खरीद ली है। लकड़ी का ढेर लगा पड़ा है, 22 हो चुकी है लकड़ी की। और अभी उसे भर के इस ट्रेलर के अंदर लोड करना बाकी है। और उसे लोड करने के बाद हम चलेंगे सीधा अपने रेंच पे। पूरी की पूरी ट्रेलर को लोड कर लिया गया है। भाई सही बता रहा हूँ यार, इतनी सारी लकड़ी भरने के बाद ना ये इतनी बड़ी एसयूवी से खींचना मुश्किल कर रही है, लहरा रही है भाई इधर उधर। और भाई लोग अब कर लेते हैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन। और यहाँ पे जो छोटी छोटी वॉल्स हैं जीने की साइड में, वो बनाई जा रही हैं इस टाइम। अब भाई ये पूरी की पूरी लंबी छोटी स्ट्रिप सी जो तुम्हें दिख रही है, ये रूफ टॉप है। और यहाँ पे इसे इस तरह से इसलिए बनाया गया है जिससे कि भाई दोनों साइड पे आराम से लकड़ियाँ लगाई जा सकें। तो भाई लोग अब थोड़ी सी लकड़ियाँ लोड कर लेते हैं। लकड़ियाँ लोड करने का ये एक मुझे सही सा तरीका मिला है। इसमें क्या है, मैंने बाहर की साइड में ट्रेलर लगा खड़ा कर दिया पूरा का पूरा। अब मैं इस ट्राइंगल वाली रूफ के ऊपर आ गया और यहाँ से लकड़ी उठा उठा के यहाँ पे रखे जा रहा हूँ ट्राइंगल वाली रूफ के ऊपर। अब भाई मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस ट्राइंगल वाली रूफ के ऊपर आ गया इस बालकनी में, और यहाँ पे लकड़ियाँ एकदम से लोड करनी शुरू कर दी, मतलब उठा उठा के गिरनी शुरू कर दी, जिससे कि यहाँ पे एक अच्छा खासा चट्टा लग गया। अब इस चट्टे को ऊपर वाली छत पे जाके और ऊपर खींच लूंगा। तो थोड़ी सी निंजा टेक्निक सी है ये लकड़ी लोड करने की, नहीं तो भाई वहाँ से ऐसे घुमा घुमा के लाने में, और भाई गाड़ी वाड़ी में लोड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है इसे कंपैरिजन में, सही बता रहा हूँ। और भाई लोग अब ये जो टेढ़ी वाली रूफ है ये भी लगाई जा रही है रूफ टॉप पे एकदम। और भाई यहाँ पे ये एक थोड़ा सा साइड में स्ट्रक्चर सा बनाया है तुम्हारे भाई ने, क्योंकि दो ऐसी टेढ़ी टेढ़ी रूफ साइड साइड आ नहीं सकती 90 डिग्री के एंगल पे, तो इसलिए ये स्ट्रक्चर बनाया है। और भाई यहाँ पे पेंट करना थोड़ा सा मुश्किल था, इसे तुम्हारे भाई पेंट की बाल्टी लेके घुसा था यहाँ पे और पेंट करना शुरू कर दिया। और भाई अब पेंट कर देते हैं मम्मटी के अंदर की साइड पे। भाई लोग अब करते हैं सड़क पे काला पेंट, कुर्सी ऐसी लगी जैसे चारकोल वारकोल की, डामर की रोड हो। और भाई लोग अब करते हैं टेढ़ी वाली छत पे पेंट, क्योंकि तुम्हारा भाई थोड़ा सा पेंट लाया था तो उसे पूरा कोई खर्च करना है। फिर जाएंगे वापस हार्डवेयर स्टोर पे और पेंट लाएंगे। तो भाई लोग एक छत पूरी साइड साइड से पेंट हो गई है। अब सामने वाली छत भी, मतलब सामने सॉरी पीछे वाली छत जो है उसे पेंट कर देते हैं। और भाई लोग लकड़ियों की फिर से कमी हो चुकी थी, इसलिए हम फिर से आ गए हैं लकड़ियाँ लेने। फिर से लोड करते हैं, फिर से चलते हैं वापस अपने रेंच पे। यार सही में इतनी ज़्यादा लकड़ियाँ इस्तेमाल हो रही है, मैंने सोचा नहीं थी। और भाई लोग यहाँ पे तुम्हारे भाई ने थोड़ी सी पेंट की बाल्टियाँ ले ली हैं, लाल पीली और भाई हर रंग की। और भाई लोग यहाँ पे सड़क भी काफ़ी कुछ पेंट हो गई है, बस आगे की थोड़ी थोड़ी रह रही है, बाकी काफ़ी लंबी पेंट हो गई और काफ़ी सही लग रही है देखने में काली सड़क। भाई लोग यहाँ पे हम आ गए हैं जो मेन हॉल है, बीच वाले फ्लोर, मतलब टॉप रूफ टॉप से नीचे वाले फ्लोर का। चलो भाई अब फाइनली लकड़ियाँ लेके चलते हैं। बीच में मैं थोड़ा सा पेंट कर आया था वहाँ पे गाड़ी से, और भाई अब फिर से लकड़ियों के साथ और पेंट लेके चलते हैं अपने रेंच पे। तो भाई लोग यार आज वाली वीडियो में बस इतना ही, मज़ा आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। अभी अपने रेंच पे पहुँचेंगे, इन लकड़ियों को लगाएंगे, कुछ नया बनाएंगे और ब्लूप्रिंट्स को सच्चाई में बदलेंगे अगली वीडियो में। तब तक सब्सक्राइब कर दो जिसने नहीं करा, जल्दी से वो लाइक कमेंट शेयर याद है ना करना, ठीक है।